गली में स्टार है, पूरा बवाल है, शक्ल में स्टार है, दिल में से प्यार है, कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल वो लाइन पे हूँ। ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आप बिटमॉइन सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करना है, इमेजेस डाउनलोड करना सीखना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, जरूर से देखना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, लाइट मोशन में आ जाना है एंड प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 916 का साइज में। ओके, यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। सो गाइस, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। और फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली उस फोटो को एड करना है। ऊपर से डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर के आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG में एक्सपोर्ट करना है। ओके, फिर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट करना है, फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेव करके, जस्ट आपको इस सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपना दूसरा फोटो को एड करना है एंड इसी प्रकार से आपको ट्रिम करना है। तो मेरा दूसरा फोल्डर फोटो इस फोल्डर में नहीं है, तो मैं अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG में इसको भी एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से आपको टोटल 8 फोटो को यानी कि 8 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो गाइस, जल्दी मैं 8 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, बिकॉज फोटो क्रॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी पहले फोटो को क्रॉप कर लो। ओके सो हे गाइस, सो मैंने जो फोटो को क्रॉप कर लिया है, लगता है मैंने वीडियो शुरू कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके सो यहाँ से आपको बैक आ जाना है, फोटो क्रॉप कर लोगे तो आप। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आ जाना है। सॉरी गाइस, मैंने इसको डुप्लीकेट ही निकाल लिया। अब आपको बिटमार पोजिट को ओपन कर लेना है। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिटमार पोजिट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो फ़ोन यूज है वो आपके लाइट मोशन में मतलब पहले से रहता है, वो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको फोटोज एड करना है। फोटो कैसे एड करना है, इस बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 14 सेकंड तक आपको कुछ भी एड नहीं करना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको इस टाइप के लेयर से दिख रहा है, इसमें आपको फोटो एड करना है। ओके तो उसके लिए आपको इस लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो ओके करना है। ओके, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करना है और ऊपर आपको अपनी फोल्डर सेलेक्ट करना है। और जो आपने फोटो को क्रॉप किया ना, सिंपली क्रॉपेड फोटो को मतलब फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे पहला फोटो को आपको ऐड करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक करना है सेलेक्ट करके। ओके तो फोटो इस प्रकार से ऐड हो जाएगा एंड आपको फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टैक्स पे क्लिक करना है और वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट फोटो मतलब लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टैक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है, इधर हम सेम फोटो को ऐड कर रहे हैं। ओके, फोटो चेंज नहीं करना है आपको, बिकॉज हमारे पास 8 ही फोटो है, बाकी लेयर बहुत ज़्यादा है। ओके तो इस प्रकार से आप अगर ऐड कर लोगे, फिर आगे आपको ग्रुप दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। ओके, और जो नीचे वाला लेयर है ना, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टैक्स सॉरी गाइस यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना है और सेम वही फोटो को सिलेक्ट करना है। ओके इस प्रकार से फिर यहाँ से बैक आना है एंड फिर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करके आगे जाना है और यहाँ पर दूसरा ग्रुप में आपको चले जाना है इस प्रकार से एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। इसमें भी आपको वही करना है, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टैक्स पे क्लिक करना है और आपको सेम वही फोटो को सिलेक्ट करना है। ओके एंड यहाँ से फिर बैक आ जाना है, फिर आपको सिलेक्ट करके आगे जाना है और तीसरा ग्रुप में आपको आ जाना है। यहाँ पे 3 ग्रुप था ना। ओके, हम तीसरा ग्रुप में आ जाएंगे एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे वही करेंगे, तीसरा लेयर जो इस पर क्लिक करके सॉरी नीचे वाला जो लेयर इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, वही फोटो को एड करेंगे। ओके फिर यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब जैसे इतना कर लोगे, अब जो है एक फोटो का काम हो गया है। ओके, यानी कि हमारा पहला फोटो यहाँ पे यूज हो गया है। अब जैसे डबल बिट मार्क आ रहा है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, आप लोग गौर से देखो। ओके, जैसे डबल बिट मार्क आ रहा है, यहाँ पे हम फोटो को चेंज करेंगे। सो इधर जो लेयर है इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टैक्स पे क्लिक करेंगे और हमारा जो सेकंड नंबर का फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने इधर आपको समझा दिया, इधर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे डबल बिट मार्क आ रहा है, यहाँ पे आप फोटो चेंज करोगे। ओके, 2 नंबर का फोटो लगाओगे तो ये जो फोटो है यहाँ तक लगेगा, जैसे आगे डबल बिट मार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे,
21 सेकंड पे। तो यहाँ तक जितना भी लेयर है ना, सभी लेयर्स में आपको सेम फोटो एड करना है। तो आप जो भी फोटो को यहाँ पे एड किए हो वो यहाँ तक आप एड कर लेना, फिर जैसे डबल बीट मार्क आएगा आपको फोटो को चेंज कर देना है। ओके, इधर जो आपको फोटो चेंज कर देना है और इन सभी लेयर्स में आपको फिर तीसरा नंबर का फोटो एड करना है, और जैसे डबल बीट मार्क आता है फिर से आपको फोटो चेंज करना है। और फिर यहाँ से मतलब डबल बीट मार्क से लेकर 25 सेकंड से लेकर यहाँ तक 26 सेकंड तक आपको यहाँ पे चौथा फोटो को एड करना है इन सभी लेयर्स में। और फोटो किस प्रकार से एड करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, उसके बाद आपको एक ग्रुप दिख जाएगा जिसमें कि आपको करना क्या है, इस ग्रुप में आपको अलग अलग फोटो यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे चार लेयर्स है मेरे हिसाब से, हाँ चार लेयर है, तो इन चारों लेयर में आपको अलग अलग फोटो यूज करना है। ओके, तो आपको करना क्या है, इस लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैग्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। ओके, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग फोटो एड करना है इन ग्रुप, इस ग्रुप में चार लेयर है, चारों लेयर में आपको किसी अलग अलग फोटो को ही एड करना है, सेम फोटो को आपको एड नहीं करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो हमने उधर पांच फोटो को लगा दिया है और इधर चार फोटो, सो इधर चार फोटो, तो मेरे हिसाब से जो फोटो में क्रॉप होगा वो 10 फोटो होगा। ओके, तो मैंने आपको 8 बताया था बट आप 10 कर लेना, मेरे हिसाब से 10 ही लगेगा। तो अगर 10 फोटो लगता है तो आप 10 फोटो क्रॉप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर इस प्रकार से लगा देना जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। एंड गाइस, इस ग्रुप में चार फोटो लगा लेना, फिर उसके बाद एक फोटो यहाँ डबल बिट मार्क से लेकर लास्ट तक एक फोटो को लगा देना, किसी भी एक फोटो को यहाँ पे इन सभी लेयर्स में इस प्रकार से लगा देना जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। इस लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना होगा इसी प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे सेम फोटो एड करना लास्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा आपको दिखाऊंगा तो करके, तो इसीलिए मैंने आपको बस समझा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। इधर सभी लेयर्स में फोटो एड कर लेना, जैसा फोटो एड कर लोगे फिर उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, एंड जैसे कि फिर प्रीसेट को ओपन करना है, इफेक्ट प्रीसेट को, एंड यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट अ लेयर करना है, नीचे से इमेज को अनटिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 6 लेयर कर देना है। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देखते हैं ये थोड़ा अजीब सा लग गया था, आपको करना क्या, लेयर्स पे क्लिक कर करके 3 डॉट पे क्लिक कर करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना। तो जितना भी लेयर्स है ना सभी लेयर्स पे आपको 1 by 1 करके ऐसा करना होगा। ओके, तो फिल कंपोजिशन एरिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं लेयर पे क्लिक कर करके फिल कंपोजिशन एरिया करते जा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको कर लेना है। एंड जितना भी लेयर्स है पहले सभी को फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना, फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऊपर का जो 6 लेयर है इसको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, एंड फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, बट आप पूरा इमेज एड कर लेना, मैंने अभी पूरा इमेज एड नहीं किया है। ओके, सो गाइस फिर आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।